MITS कॉलेज के प्रोफेसर शिशिर दीक्षित के घर में दिनदहाड़े डकैती डालकर सोने के आभूषण व नकदी लूटने वाले शातिर बदमाशों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज डकैती की घटना का मास्टरमाइंड प्रोफेसर के घर गाड़ी धोने का काम करने वाला ही निकला। मास्टरमाइंड ने प्लानिंग कर ग्वालियर, करैरा, शिवपुरी तथा झांसी के कुख्यात बदमाशों से डकैती कराई। पुलिस ने डकैती में शामिल 10 बदमाशों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया, शेष की तलाश जारी है। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में रहने वाले माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के प्रोफेसर शिशिर दीक्षित के घर हथियारबंद बदमाशों ने 6 जून को दिनदहाड़े डकैती कर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। बदमाशों ने प्रोफेसर की पत्नी और बेटी को बंधक बनाया, बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की और लूटपाट कर भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग शुरू की और 24 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश कर दिया। सनसनीखेज डकैती में लूटे गए सोने के आभूषणों में से लगभग 137 ग्राम सोने के आभूषण एवं चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए, जिनकी कुल कीमत 6,90,000 रुपये है तथा घटना में प्रयुक्त एक कट्टा, मै राउंड एवं एक मोबाइल बरामद किया गया। जिन मोटरसाइकिल पर बदमाश आए थे उसके अलावा एक ऑटो भी संदिग्ध मिला, जिस पर काम करते हुए मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो 8 से 10 साल से प्रोफेसर दीक्षित के घर कार वॉश करता है। उस पर जब भरोसा करते हैं, उसे मालूम था कि घर में सोने के जेवर रखे हैं। फिर उसने मिलकर ग्वालियर, शिवपुरी और झांसी के बदमाशों से वारदात करवाई, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 ग्वालियर के हैं और 1 झांसी का है, जबकि फरार बदमाशों की तलाश जारी है। फरार बदमाशों में 4 शिवपुरी के और 1 झांसी का है, जिनकी तलाश जारी है। विगत परसों श्री शिशिर दीक्षित जी के घर, जो पंचशील नगर में निवास करते हैं ग्वालियर में, उनके घर में एक बड़ी डकैती हुआ है, जिसमें 6 बदमाश आकर के, जिसमें 3 बदमाश अंदर घुस करके खट्टे के नोक पर उनके परिवार को बंधक बना करके घर में अलमीरा में रखी सोना, कैश और जेवरात डकैती डाल के ले गए। एक एक सुराग फॉलो करने के लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई और टीमें बना करके टास्किंग की गई, जिसके चलते 24 घंटे के भीतर ही इस घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस की कामयाबी मिली। अहम भूमिका CCTV फुटेज की रही है, जिसमें एक बदमाश का चेहरा भी हमको फोटो मिला और घटना में प्रयुक्त कुछ वाहनों का डिटेल भी हमें मिले। जब हम उसको और तहकीकात की है, घटना में प्रयुक्त एक ऑटो का भी जिक्र हुआ था और ऑटो का पार्ट नंबर भी मिला, जिसके चलते हमने घटना को पर्दाफाश करने में कामयाबी मिली। और घटना के संबंध में अभी तक 5 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और कुल जो माल गया है, सोना लगभग 400 ग्राम के ऊपर के, उसमें अभी लगभग 137 ग्राम का सोना भी बरामद हुआ। घटना में लूटी गई मोबाइल ओरिजिनल वो भी बरामद हुई और कैश भी बरामद हुआ। साथ साथ 5 आरोपी जो गिरफ्तारी की गई है, उसमें 4 अभी ग्वालियर के निवासी है और 1 आरोपी झांसी का है। शेष बचे 5 आरोपी है, उसमें 1 झांसी का आरोपी और 4 शिवपुरी जिले के आरोपी है। 2 बदमाशों का उसमें पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। और इसमें मुख्यतः जो आरोपी हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि हमको शुरू से भी लग रहा था कि इतना आदमी जो जानकारी ही होगा, जो इतने प्रिसाइसली जा करके घर में घुस के उसी अलमारी में जा करके जो गोल्ड लूटी गई, तो एक आरोपी ये ऐसा निकला है कि जो इन्हीं के घर में, दीक्षित जी के परिवार में लगभग 8-10 वर्षों से उनके कार धोने का जो काम करता है, और उसको कभी कभी घर के अंदर जो छोटी मोटी फिजिकल वर्क के लिए बुलाते थे, उसका घर का लेआउट भी मालूम था और उसको ये भी मालूम था कि घर में अलमीरा में गोल्ड रखा हुआ है। तो उसकी जान पहचान एक झांसी के बदमाश के साथ हुआ था, जो विगत 5 वर्षों से ग्वालियर में निवास करता था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। तो उसने कुछ दिन पहले बोला था कि कुछ काम है तो बता दो, कुछ काम करना है। तो जब उसको मालूम पड़ा कि इस प्रकार का गोल्ड रखी हुई है, उसने अपने साथीदारन को और को बुलाया है और फिर वो 2 मोटरसाइकिल पे ये 6 लोग आकर के फिर इस प्रकार का वारदात का अंजाम दिया है। घटना के बाद वो फरार हुए, एक जगह पे बैठ के फिर गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर ग्वालियर से फरार हुए। तो बाकी लोग उनको पकड़ा दकड़ी के लिए एक टीम अभी झांसी में ऑलरेडी है और एक टीम शिवपुरी में भी है, तो उम्मीद करेंगे उसमें भी जल्दी से जल्दी कामयाबी मिलेगा। अगर आपके वार्ड में भी हैं कई समस्याएं तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें और हम दिखाएंगे आपके वार्ड की समस्याएं।
9907824554 7999280575 और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।